और जिसमें वार्षिक इसकी मद में 9,530,27,07,000 रुपये स्थापना प्रतिबद्ध वह मद में प्रवृत्त सहित 9,399,98,58,000 रुपये एवं केंद्रीय क्षेत्र स्कीम मद में 439,77,60,000 रुपये का प्रावधान रखा गया। और अभी सदन में विस्तार से हमारे सम्माननीय पूर्वीय सदस्य श्री रामचंद्र पूर्वे जी, श्री केदारनाथ पांडे जी, श्री गुरुराम रसूल साहब और श्री प्रेमचंद मिश्रा जी ने विस्तार से जो द्वितीय अनुपूरक बजट है उस पर उन्होंने चर्चा की और काफी महत्वपूर्ण सुझाव दिए और कई अपेक्षाएं भी की है। स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति काम करता है उससे अपेक्षाएं होती है और विगत 15 वर्षों से उन अपेक्षाओं पर माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम सब खड़ा होने का प्रयास किए हैं और जो विकास की गति है कहीं न कहीं एक ऊंचाई प्राप्त की है। पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बिहार कहीं न कहीं विकास के कैनवास पर और बेहतर ढंग से दिखा भी है। अभी हमारे सम्माननीय सदस्य श्री रामचंद्र पूर्वे जी ने परिणाम बजट की चर्चा की है और इसी मार्च के चौथे सप्ताह में परिणाम बजट को हम रखने जा रहे हैं जिसमें विस्तार से विगत वित्तीय जो अपना वित्तीय वर्ष बीता है या बीत रहा है अब हम मार्च में प्रवेश कर गए हैं तो विस्तार से उसकी हम चर्चा करेंगे और आप सबों तक पहुंचाएंगे। हमारे रामचंद्र पूर्वे जी ने ग्रामीण विकास या उससे जुड़े हुए जो विकास के कई आयाम है उस पर चर्चा की है। स्वाभाविक है कि आपको याद होगा सभी महोदय कि बिहार विधानसभा के सभागार में या सभा में स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने एक संयुक्त बैठक को संबोधित किया और उसमें विस्तार से बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, बिहार किस तरीके से आगे बढ़ेगा और उसके कितने कंपोनेंट होंगे, उसके कितने डायमेंशन होंगे, विस्तार से खाका उन्होंने खींचने का काम किया था। और संयोग से उस बैठक में मुझे भी भाग लेने का अवसर मिला था और उस अपने संबोधन उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे आज भी कहीं कहीं मेरे हृदय को छुआ है कि जो ग्रामीण प्रवेश है वहां आप नगरीय सुविधा पहुंचाएं। उससे दो लाभ है कि एक जो परिकल्पना है कि आपकी आपके सूबे की आबादी को जितनी नगरीय सुविधाएं मिलेगी वो राज्य उतना विकास करेगा, विकसित राज्य कहलाएगा और दूसरा क्या कि पलायन भी रुकेगा। पलायन भी दो तरह का होता है, एक पलायन है कि लोग अपने रोजगार के लिए राज्य के बाहर जाते हैं जिसको पलायन नाम देते हैं, लेकिन मैं उसे बहुत पलायन नहीं बोलता, अपने रोजी रोजगार के लिए अपनी क्षमता के अनुसार लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाकर काम करते हैं फिर घर भी लौटते हैं। पलायन का अर्थ है मेरा गांव से शहर की ओर आने की प्रवृत्ति। आप देखे होंगे हम भी ग्रामीण प्रवेश आए हैं कि गांव में अगर घर है तो एक प्रयास रहता है कि शहर में भी एक मेरा मकान हो जाए, लेकिन प्रवृत्ति अब धीरे धीरे बदली है, अब लोग गांव में मकान बनाना चाहते हैं, अब गांव में रहना चाहते हैं और इसलिए रहना चाहते हैं कि विगत 15 वर्षों में हमने ग्रामीण क्षेत्र में जो बुनियादी सुविधाएं हैं सड़क बिजली पानी और इस तरह की जो बुनियादी सुविधाएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो गांव के स्तर पर जो चीजें जो संस्था दिख सकती है उसको दिखाने का हमने प्रयास किया है तो वो चीजें कहीं कहीं बहाल हुई है, उसका एक अच्छा परिणाम आया है। और माननीय रामचंद्र पूर्वे जी ने एक बात और
कही है कि जब बसते हैं तो एक हरियाली दिखनी चाहिए आपको। साबती महोदय, आप सब उस सेंट्रल हॉल के प्रसाल में उपस्थित थे, सेंट्रल हॉल में उपस्थित थे, और वहाँ जल जीवन हरियाली पर विस्तार से चर्चा हुई थी। कहीं कहीं हम पुराने ऐसी चाहते जो मानव जीवन के लिए, मानव जीवन के क्रमिक विकास के लिए आवश्यक है, वो सारी चीजों का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम सबों ने जल जीवन हरियाली में करने का प्रयास किया है, जिन बातों को हमारे सम्मानीय सदस्य रामचंद्र पूर्वे जी ने रखने का प्रयास किया। और उसी क्रम में हम बताना चाहते हैं, और एक बात और माननीय सावती महोदय हम बताना चाहते हैं कि अनुपूरक बजट से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, हम चाहते हैं उन प्रश्नों के दायरे में रहें, फिर विस्तार से जब जिस बजट को हमने पेश किया है, जो बिहार के लोगों की जन आकांक्षाओं के आईने के तौर पर जिस बजट को हमने पेश किया, उस पर आगे चर्चा करने वाले, और विस्तार से हम सारी चीजों को हम दोनों सदनों में रखेंगे तो जो लगता है कि ज्यादा बेहतर होगा। अभी सिर्फ हम अनुपूरक जो बजट का प्रस्ताव है, हम अपने को उसी दायरे में सीमित करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में इसी अनुपूरक बजट के प्रस्ताव में 1,004,59,00,000 रुपए का प्रावधान हमारी सरकार ने केद्रांश के सहयोग से किया है। यह एक बड़ी सीमा रेखा है, एक बड़ा दायरा है, इसको लगता है कि माननीय सदस्यों को समझना चाहिए कि हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे गांव का परिवार है, वो कहीं ना कहीं उसको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का कवरेज मिले। माननीय रामचंद्र पूर्वे जी ने जल जीवन और हरियाली की बात की है, उनका जो विषय था कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द घूम रहा था। तो हम आपको बता दें कि इसके लिए अलग से कोई बजट शीर्ष नहीं है, लेकिन अलग अलग विभाग इन सारी चीजों को अपने विभागीय प्रावधान में इसको रखा है, जो धीरे धीरे दिख भी रहा है। और अभी मध्यान्ह भोजन की भी बात हुई, और मध्यान्ह भोजन में भी साबती महोदय 129,07,78,000 रुपए का प्रावधान केंद्र के सहयोग से हम सबों ने किया है। मध्यान्ह भोजन कहीं न कहीं ग्रामीण परिवेश में जो शिक्षा से विगत के वर्षों में लोग विमुख हो रहे थे, उसको कहीं न कहीं रिस्टोर करने का काम हमारी सरकार ने किया है, और जिसको आप सबों ने सराहा भी है। अभी अपने अभिभावक श्री केदारनाथ पांडे जी ने भी शिक्षा के विषय में अपनी बातों को रखा है, और स्थापना प्रतिबद्ध व्यय के बारे में भी चिंता जताई है, और प्रशंसा भी की है कि शिक्षकों का वेतन नियमित समय पर मिला है, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी चिंता है कि और हम कैसे शिक्षित हों, कम से कम और शिक्षा का विस्तार कैसे हो। कहीं ना कहीं हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसलिए ये चिंता है कि इसको और हम एक्सेलरेट करें, इसको और आगे बढ़ावे। ये इस बात का प्रतीक है कि सरकार उस ट्रैक पर कहीं ना कहीं चल रही है, उसको और बेहतर करने की जो आपकी अपेक्षा है, जो हमने बजट पेश किया है, उस पर जब चर्चा होगी तो विस्तार से उन सारी चीजों को रखेंगे। देखिए, शिक्षा विभाग में हमने 1,241,21,71,000 का प्रावधान इस सेकेंड सप्लीमेंट्री में हम सब किए हैं, और अभी प्रेमचंद जी ने भी कुछ चीजों की चिंता की है। हम माननीय प्रेमचंद जी को आपके माध्यम से निश्चित उससे उन्हें आश्वस्त करते हैं कि हमारी सरकार बहुआयामी जो विकास के पैमाने हैं उसको बेहतर ढंग से देख रही है, और आने वाले दिनों में भी जब हम बजट पर चर्चा करेंगे तो विस्तार से हमारे माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है वो चिंता दिखेगी, और उसका कैसे समाधान होगा वो चीज दिखेगा। माननीय साबती महोदय,
कोविड 19 महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 का काल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी तनावपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण रहा है। संपूर्ण देश के साथ बिहार में भी आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक गतिविधियां जो थम गई थी, सरकार की प्राथमिकता में आम आदमी के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा सर्वोपरि है। सावती महोदय, द्वितीय अनुपूरक आगमन 2020-21 में मुख्य प्रावधान कोविड 19 महामारी से रक्षा और प्राकृतिक आपदा, जिसमें अत्यधिक वर्षा के कारण जो जान माल की क्षति की पूर्ति हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से 4,604,20,51,000 रुपये के अग्रिम राशि की द्वितीय अनुपूरक आगमन में प्रतिपूर्ति, अत्यधिक वर्षा के कारण सड़कों की मरम्मति हेतु 1,400 करोड़ रुपये केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार से प्राप्त केंद्रांश की राशि के समानुपातिक राज्यांश की राशि एवं 6,599,23,61,000 रुपये की राशि प्रत्यर्पण के विरुद्ध प्रस्तावित की गई है। महोदय, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार राज्य को वर्ष 2020-21 के अंत तक संशोधित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का अधिकतम 5% तक की सीमा में रखना है। माननीय सभापति महोदय, बिहार विनियोग विधेयक 2021 के द्वारा कुल 19,370 करोड़ 3,25,000 रुपये की राशि समेकित निधि से विनियोजन किया जाना प्रस्तावित है। विनियोजन राशि में 46,21,03,000 रुपये प्रवृत्त है। कुल प्रस्तावित राशि में राजस्व मद में 16,034 करोड़ 69,03,000 रुपये एवं पूंजीगत मद में 3,335 करोड़ 34,22,000 रुपये है। अतः सदन से अनुरोध है कि इस द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी के माध्यम से सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदन अपनी सर्वसम्मति से सहमति दे। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मुझे पहली बार आज इस विषय पर अपनी बात को रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन हमने देखा है कि हम अलग अलग चर्चाओं के माध्यम से अपने राजनीतिक दृष्टिकोण और जो राजनीतिक प्रतिबद्धता के बावजूद भी आपने बिहार के विकास में इस द्वितीय अनुपूरक बजट के सर्वसम्मत समर्थन के प्रति अपनी जो प्रतिबद्धता दोहराई है, इसके लिए महोदय हम आपके माध्यम से सदन के तमाम सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, सदस्यों और अपने दल के तमाम माननीय मंत्री और सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह का सर्वसम्मति से बिहार के विकास के बारे में जो सोच है, यह सोच बिहार को विकासशील बिहार से विकसित बिहार की ओर ले जाएगी। हम पूरे सदन के प्रति आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न यह है कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार विनियोग विधेयक 2021 पारित हो, जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो विपक्ष में वे ना कहें। पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई। सचिव इसकी विधिवत सूचना विधानसभा में देंगे। एक विशेष सूचना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से सबके लिए मिठाई का प्रबंध किया गया है। यहाँ से जाने के पहले सब लोग ले लेंगे मिठाई और मुँह मीठा करके जाएंगे।